उस खाद से जो नाद पैदा हो वो आप खाओ, उस नाद में स्वाद आएगा, स्वाद। ये डीएपी खाद, ये फलाना खाद, ये आप अपनी फसल है जो बढ़ाने के लिए कुछ भी करें, पर गौकार गोबर नंदी का गोबर डालोगे तो उस गोबर में जो नाद पैदा होगा वो नाद आपका परिवार खाएगा। तो महाराज आपके बच्चों की बुद्धि है जो अपने आप निर्मल हो जाएगी। इसलिए ये संकल्प ले लो और जो देना हो, मैं अभी कह रहा था भाई, मैं अभी कहना नहीं चाहिए, पहले तो मैं ये चार पांच गांव हैं सावनबाद जो भी है, यहाँ नंदी आवारा है उनका, और फिर जो बचेंगे और भगवान की कृपा होगी तो और दूसरी नंदी साला के लिए प्रयत्नशील हूँ और दूसरी बन जाएगी। सरकार भगत सब है जो समलेंगे तो हो जाएगी और ये नंदी बचेंगी, नंदी बचेंगे, गऊ बचेंगे तो ये देश बचेगा। तो प्रे भक्तों, ये इसलिए कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं और इसलिए ही भक्तों में जागृति है। 2029 में, सुनो कान खोल के, 2029 में 29 में गो के मांस के, गऊ का मांस, बछड़ू का मांस, नवजात नवजात बछड़ू का मांस विदेशों में जाता है और 2029 को उसके बंद होने की तारीख है। तो प्रिय भक्तों, चाहे जनता पार्टी आवे, ये चुनाव तो होनी है, चाहे जनता पार्टी आवे, चाहे कांग्रेस आवे, चाहे अस्पा आवे और चाहे बसपा आवे, उसको उनको एक ही प्रार्थना करो, मेरे लिए सभी पार्टियां बराबर हैं, मैं एक निरपेक्ष साधु का जैसा जीवन जीता हूँ। नहीं, मेरे को बदनाम करने के लिए बहुत लोग, अरे श्री माधोपुर से चुनाव लड़ेगो है ना, आपका टिकट मिलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को तो आपकी सेवा से ही फुर्सत नहीं। तो प्रे भक्तों, ये संकल्प ले लो कि इस गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित पार्लियामेंट में कोई 2029 से पहले नहीं करेगा तो उस चाहे कोई आए उसको वोट नहीं देंगे। उठाओ झंडा और चलाओ विमान गांव गांव में कि है जो गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करोगे तभी आपको वोट मिलेगा। नहीं जाओ हमारा गांव से, फिर सर्राई जाओ, कांग्रेस आलान, बीजेपी आलान, अस्पा बसपा, कोई कामरेड कोई भी हो, चाहे कितनी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो चाहे कोई हो, गौ माता को जिस रोज राष्ट्रीय पशु का घोषित हो जाएगा उस रोज मांस बिकना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें अब इन, और जो मेरे तो एक रुपया नंदीशाला में, प्रे भक्तों एलएनटी चल रही है मनोज मीणा की, वो तेल भी डालता है और ड्राइवर की तनख्वाह भी देता है। और उसकी कितने महीने हो गए मनोज जी मीणा की, 3 महीने से बराबर चल रही है और 3 महीने ही शायद डीजल भी खुद ही देता है। ये कितने दिन चले, 2 महीने तक शंकर मीणा जो रिवाल्वर लेकर के, अब वो लोग जितने भी क्रेशर वाले हैं उन दस्युओं का, उन डाकुओं का पीछा किया था, 2 महीने तक अपनी जैसी भी फ्री लगाई और एक डंपर फ्री लगाया। सावनपुरा के जो भगत हैं या यहीं कहीं बैठा होगा, उसने 4 डंपर दिन रात चढ़ाए और बहुत से लोग है जो डंपर दे कोई 2 महीना, कोई 4 महीना और कोई 1 साल के लिए ही है जो परमानेंट कर दिया।
परंतु अभी वो दो वो नंदी साला वो नंदी साला चार महीने और मांगेगी तो इसलिए प्रे भक्तों उसके बाद में कहीं गवर्नमेंट का पैसा लगना शुरू होगा। ये पैसा ये नंदी साला ये सब आपने बनवाई है, भक्तों ने बनवाई है, गवर्नमेंट का तो केवल नाम नाम है। और गवर्नमेंट जो पास करी कर दिया उससे तो नमक मिर्च भी नहीं लगता। हाँ तो इसलिए आप एक रुपया दो वो भी लाख के बराबर है, जो लाख देगा वो करोड़ बराबर है और जो करोड़ देगा वो अरब बराबर है।